बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि C++ लैंग्वेज के अंदर जो ऑपरेटर यूज़ हो रहे हैं। इससे पहले दो वीडियोस में हमने अरिथमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर्स को डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमारे पास ये एक इक्वलिटी ऑपरेटर है। हम इक्वलिटी चेक करने के लिए इसको कहते हैं इक्वल इक्वल, और सेकेंड नॉट इक्वल, थर्ड वन है ग्रेटर देन और लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू। ये बिल्कुल बेसिक हम ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं कंपैरिजन के लिए। मैथ में भी यही सेम हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग में भी यूज़ करते हैं। तो चलिए हम इसको प्रोग्राम के अंदर लिख के इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि हम इसको किस तरह यूज़ करेंगे और इसका आउटपुट हमें किस तरह मिलता है। जी, यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जी, इंट नंबर, और इसको हम इनिशियलाइज कर लेते हैं वेरिएबल वैल्यू को 6 से। अब ये जो ऑपरेटर्स होते हैं कंपैरिजन, ये मोस्टली हम कंडीशंस में अप्लाई कर रहे होते हैं। जो हमारी डिसीजन मेकिंग या कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं या लूप्स होते हैं, तो यहाँ पे हम एक इफ कंडीशन अप्लाई करते हैं। इफ नंबर इक्वल इक्वल 6, जी ये एक हमने सिंपल स्टेटमेंट लिखी है जस्ट डेमो, कि हम यहाँ पे ये इक्वल ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। ये इक्वलिटी चेक करने के लिए है कि लेफ्ट साइड की वैल्यू अगर राइट साइड की वैल्यू के इक्वल होगी तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पे हमने नंबर को वैल्यू असाइन की है 6, और सेकेंड नंबर हमने यहाँ पे कंडीशन ये लगाई है कि हम उस नंबर को कंपेयर कर रहे हैं। ये कंपेरिजन ऑपरेटर है वैल्यू 6 के साथ। अगर यहाँ पे हम लिखेंगे 6 तो इसका मतलब है कि ये इक्वल है और ट्रू रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पे 6 के अलावा कोई भी वैल्यू लाइक 7 आ जाती है, हम इसको 7 से कंपेयर करेंगे तो ये यहाँ पे हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। और ये हम यहाँ पे अगर इसका एल्स पार्ट बनाएं, यहाँ पे वो हम एक्चुअल वैल्यू डिस्प्ले करवा देते हैं नंबर। जी, हम यहाँ पे 6 ही लिखते हैं, पहले इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। हमने चेक किया कि हम चेक करना चाह रहे हैं कि वो नंबर जो भी हमारा है वो हम यूज़र से भी ले सकते हैं। ठीक है, चले हम इस तरह करते हैं कि पहले इसको इनिशियलाइज करवा लेते हैं, फिर बाद में यूज़र से इनपुट लेके हम उसको रन करके देखेंगे। हमने इक्वेलिटी ऑपरेटर यूज़ किया है कि क्या लेफ्ट साइड का वेरिएबल जो है वो राइट साइड की वैल्यू के इक्वल है या नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास दोनों तरफ या एक तरफ वेरिएबल हो दूसरी तरफ कांस्टेंट हो, हम कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसकी मैं आगे फर्दर आपको एग्जांपल्स दूंगा। प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन किया है, देखिए हमारे पास आ गया ये नंबर इज 6। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करके 8 कर देता हूँ तो अब क्या आउटपुट आएगा, अब ये हमारा जो ऑपरेटर है इक्वलिटी ऑपरेटर ये इक्वल नहीं कंसिडर करेगा इनको और फॉल्स रिटर्न करेगा, और यहाँ पे ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी हमारे पास। इसको कंपाइल एंड रन कर रहे हैं यहाँ पे हम, जी नंबर इज 8, क्योंकि ये हमारी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई। अब ये चीज़ और मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे दोनों तरफ ही, एक तरफ आपने कोई वेरिएबल लिखना है दूसरी तरफ कॉन्स्टेंट लिखना है, मैं दोनों तरफ जो है वो कॉन्स्टेंट लिख सकता हूँ। मैं 6 इज इक्वल टू 6 कह देता हूँ तो तब भी ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। उसने लेफ्ट साइड की वैल्यू को राइट साइड की वैल्यू के साथ कंपेयर करना है, वो देखेगा कि अगर दोनों वैल्यूज इक्वल हैं तो वो आपको ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है तो आपको वो फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे देखिए नंबर इज इक्वल टू 6। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर, यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे सपोज के 8 लिख देता हूँ, लेकिन फिर उसका इफेक्ट इस चीज़ पे नहीं होगा, क्योंकि हम जो नंबर यहाँ पे अगर मैं 9 लिखूंगा तो उसने तो इस वेरिएबल को डिस्प्ले करवाना है। ये हमने प्रीवियस सिनेरियो के अगेंस्ट ये स्टेटमेंट लिखी थी एल्स वाली, जो कि लाइन नंबर 12 पे मौजूद है। अब यहाँ पे वो इस वेरिएबल को तो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करवा सकता। हाँ, ऐसे हम ज़रूर कह सकते हैं कि हम जो वेरिएबल यहाँ पे लिखें वो यहाँ पे लिखते हैं। ये कोई हमारा एक कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है, कोई एल्गोरिथम नहीं है, जस्ट हम इस चीज़ के फंक्शनैलिटी को समझ रहे हैं कि इक्वल ऑपरेटर क्या करता है, कि लेफ्ट साइड की वैल्यू को राइट साइड की वैल्यू से कंपेयर करता है। अगर वो दोनों इक्वल हों तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर वो इक्वल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमने इफ एल्स लगाई है, क्योंकि इसमें ट्रू एंड फॉल्स के लिए हम ये इफ और एल्स लगाते हैं। ट्रू होगा तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, फॉल्स होगा तो
एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो ये हमारा इक्वल ऑपरेटर था। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो मौजूद है वो नॉट इक्वल है। यहाँ पे हम नॉट इक्वल यूज करेंगे। हम कहते हैं कि नंबर, पहले हमने इक्वल इक्वल चेक किया था 6। अब अगर हम चाहते हैं कि हम नॉट इक्वल चेक करें कि वैल्यू उसके इक्वल नहीं है, तब वो ट्रू रिटर्न करें। अब इस सूरत में क्या होगा, अगर हम यहाँ पे इक्वलिटी ऑपरेटर लगाते हैं तो ये इफ हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। चले हम यहाँ पे चले स्टेटमेंट्स को टोटली चेंज कर लेते हैं। हम लिखते हैं जी कंडीशन इज ट्रू कंडीशन इज फॉल्स। अब देखते हैं कि हमारी कंडीशन ट्रू किस तरह होती है। अब ये वैल्यू इसकी 8 है और यहाँ पे हम इसको कंपेयर कर रहे हैं इस वैल्यू को 6 के साथ, क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल्स होगी। हमें एल्स पार्ट जो है उसका एग्जीक्यूट होने पे कंडीशन फॉल्स का मैसेज डिस्प्ले करेगा। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू 6 कर देते हैं तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हमें ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे व्हाट सोएवर, आप यहाँ पे कोई भी अपनी जो है वो लाइन ऑफ कोड लिख सकते हैं इस ब्लॉक के अंदर, इन दोनों पैरेंथेसिस के अंदर। अगर हम यहाँ पे नॉट इक्वल यूज करेंगे, अब देखिए हम नॉट इक्वल यूज कर रहे हैं, अब ये किस सूरत में ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होगी तो फिर इसने ट्रू रिटर्न करना है। ठीक है, अब ये ट्रू या फॉल्स क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे अगर वैल्यू 6 है हम 6 के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं तो ये नॉट इक्वल की सूरत में ये इसको फॉल्स रिटर्न करेगा। मैं इसको कट कर दूँ, अब इसने हमें फॉल्स रिटर्न करना है और ये वाली कंडीशन लाइन एग्जीक्यूट होगी क्योंकि हम चेक इसकी नॉट इक्वलिटी को चेक कर रहे हैं। जी फॉल्स, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 6 की बजाय कोई भी और वैल्यू दे देता हूँ फिर ये कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि 6 नॉट इक्वल टू 9, तो फिर ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी क्योंकि इस ऑपरेटर ने कंफर्म ही ये करना है कि वो इक्वल नहीं है, तो फिर उसने उसको ट्रू कंसिडर करना है। यहाँ पे भी हम वही सेम चीज़ कि हमको वेरिएबल्स का यूज़ ज़रूरी नहीं है, आप कॉन्स्टेंट वैल्यू भी ले सकते हैं, आप दोनों तरफ भी वेरिएबल्स ले सकते हैं, दोनों तरफ कॉन्स्टेंट भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखें कंडीशन इज ट्रू क्योंकि 5 6 के इक्वल नहीं है तो उसने कंडीशन ट्रू रिटर्न कर दी। ऐसे ही में चलें दोनों तरफ आपको जो है नंबर 2, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, तो मैं दोनों तरफ जो है वो वेरिएबल्स को यूज करके आपको दिखा देता हूँ कि हम उसको भी यूज कर सकते हैं। नंबर 1 सॉरी नंबर ओनली वेरिएबल है नॉट इक्वल टू नंबर 2, तो ये इस सूरत में क्या होगा, कंडीशन ट्रू कंसिडर होगी। अब एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमारे कोड या उसकी वैल्यूज के अगेंस्ट से कंडीशन ट्रू बनती है क्योंकि नंबर की वैल्यू 9 है और नंबर 2 की वैल्यू 8 है, वो दोनों इक्वल नहीं है तो वो हमें यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। जी ये हमारे पास दो ऑपरेटर हो गए कंपैरिजन के, इक्वलिटी और नॉट इक्वल। इसी तरह ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये हम यहाँ पे अब चेक करेंगे कि अब यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं ग्रेटर देन का ऑपरेटर। अब क्या होगा, नंबर की वैल्यू नंबर 2 से ग्रेटर है, बिल्कुल ग्रेटर है, यहाँ पे ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। हम यहाँ पे इसको कंपाइल और रन करके देख लेते हैं। जी कंडीशन इज ट्रू। अगर मैं इनकी वैल्यूज जो है वो चेंज करता हूँ, यहाँ में अगर मैं 6 कर देता हूँ तो अब क्या होगा, हमारे पास ऑपरेटर वही है लेकिन वैल्यू चेंज होगी। नंबर की वैल्यू जो है वो 6 है और नंबर 2 की 8 है, ये इससे ग्रेटर नहीं है, तो क्या होगा, अब यहाँ पे इसने हमें फॉल्स या कंडीशन जो है वो फॉल्स का मैसेज डिस्प्ले करवा देगा। ये हो गया ग्रेटर देन साइन। राइट साइड की जो इसकी लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है वो लेफ्ट राइट साइड की वैल्यू से कंपेयर होगी, अगर लेफ्ट की वैल्यू ग्रेटर है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा अदरवाइज फॉल्स। अब इसी चीज़ को हम नेक्स्ट लेस देन ऑपरेटर पे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे ये कंडीशन हमारी ट्रू कंसिडर होगी। क्यों, क्योंकि नंबर की वैल्यू 6 है और वो लेस देन है, एक्चुअल में लेस देन है, और नंबर 2 की वैल्यू 8 ग्रेटर है, तो ये हमारे पास यहाँ पे ट्रू रिटर्न किया जाएगा। जी कंडीशन इज ट्रू। इसी तरह हमारे पास इक्वल टू और लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू के ऑपरेटर्स मौजूद हैं, ये भी वही सेम जिस तरह मैथ में यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पे अब क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू में क्या फर्क होगा, ये कंडीशन अब यहाँ पे इस सिचुएशन में ये कंडीशन हमारी जो है ये ट्रू है। मैं यहाँ पे आपको रन करके दिखाता हूँ, सॉरी ये ऑपरेटर इस तरफ आएगा, ये ऑपरेटर हम यूज कर रहे थे लेस देन इक्वल टू। जी तो यहाँ पे हम इसको रन करते हैं,
कंडीशन इज ट्रू। ट्रू किस तरह है कि नंबर की वैल्यू कब तक ट्रू, इसके वैल्यू कंडीशन कब तक ट्रू रहेगी, जब तक ये नंबर की वैल्यू नंबर टू की वैल्यू से या तो लेस होगी या मैक्सिमम इक्वल तक जा सकती है। मैं इसकी वैल्यू अगर 7 करता हूँ तब भी ये ट्रू रहेगी, ठीक है, और अगर मैं इसकी वैल्यू 8 कर देता हूँ तब भी ये ट्रू रहेगी। जैसे ही 8 से बढ़ेगी वहां पे ये कंडीशन फॉल्स होगी, कंडीशन इज ट्रू। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे 9 कर देता हूँ तो तब क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि कंडीशन ट्रू उसके लेस देन इक्वल टू होने तक है। यही चीज अगर मैं यहाँ पे इक्वल ऑपरेटर नहीं यूज करता और मैं यहाँ पे भी 8 लगा देता हूँ तो अब क्या है, अब ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। फॉल्स किस तरह होगी कि नंबर और नंबर टू दोनों इक्वल है, ना कि ये नंबर उससे लेस देन है। तो अगर आप लेस देन तक लिखना चाहते हैं तो आप लेस देन ऑपरेटर यूज करेंगे। अगर आप इक्वेलिटी को भी इसमें लेके आना चाहते हैं कि लेस देन और इक्वल टू, देन आप क्या करेंगे, साथ इक्वल ऑपरेटर लगाएंगे, ये नंबर जो है वो लेस देन और इक्वल टू होगा तो वो आपका ट्रू रिटर्न होगा। इसी तरह ग्रेटर देन और इक्वल टू जो है ये चीज, अब नंबर टू जो है वो 8 है, नंबर 1 भी 8 है, तो दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पे भी ये ट्रू रिटर्न करेंगे। क्यों, उसकी रीजन ये है कि अभी इसके अंदर इक्वल ऑपरेटर मौजूद है कि ये तब भी आपको ट्रू रिटर्न कर देंगे, कंडीशन इज ट्रू। अब नंबर 1 की वैल्यू अगर हम बढ़ा दें, यहाँ पे हम 15 कर दें, तो तब भी ये ट्रू रिटर्न करेगा, कंडीशन इज ट्रू। यहाँ पे जब तक इसकी वैल्यू नंबर टू से या तो ज्यादा होगी या मैक्सिमम उसके इक्वल या मिनिमम उसके इक्वल तक आ जाएगी तो कंडीशन आपकी ट्रू रिटर्न होगी। जब तक वो उससे लेस नहीं जाती, हम यहाँ पे अगर कर देते हैं 7, तो अब क्या है, नंबर की वैल्यू 7 है और नंबर टू की वैल्यू 8 है, तो वो ना ही उससे ग्रेटर है और ना ही उसके इक्वल है, तो यहाँ पे हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जिसको हमने वन बाय वन प्रोग्राम के अंदर इंप्लीमेंट करके देखा है। हमारे पास नेक्स्ट एक ऑपरेटर रिमेनिंग है, वो है लॉजिकल ऑपरेटर, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमारे ये तीन ऑपरेटर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को डिस्कस किया था, फिर उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड नेक्स्ट हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स था, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू। तो हमने इसको एक इफ या कंडीशन के अंदर इम्प्लीमेंट करके हमने चेक किया। जरूरी नहीं कि आप इसको इफ में ही इम्प्लीमेंट करेंगे, कहीं भी जहाँ पे आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो वो इफ हो, वो एल्स के अंदर, फिर हम एल्स इफ लगा रहे होते हैं या फिर हम लूप्स लगा रहे होते हैं, वहाँ पे हमारी कंडीशन चेक हो रही होती है। आप इसको किसी भी कंडीशन में या जहाँ पे भी आप प्रोग्राम के अंदर कंपेरिजन करना चाह रहे हो वैल्यूज का, वहाँ पे आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।